कोरोना के बढ़ते मामले और ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने संक्रमण पर नकेल कसने के लिए प्रदेश में 5 जोन बनाए हैं, जिसमें से कि 5 जिलों को शामिल किया गया है। इन जिलों में आज से ही सरकार के नए आदेशों को लागू कर दिया गया है। जी हां, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकुला, सोनीपत और अम्बाला में आज से सरकार की नई गाइडलाइंस लागू हो गई हैं, जिसके तहत अब शाम 5 बजे तक सभी बाजार बंद हो जाएंगे और इसके अलावा मल्टीप्लेक्स, सिनेमा घर और निजी और सरकारी स्कूल सहित अन्य निजी संस्थान 15 जनवरी तक पूर्ण रूप से बंद रहेंगे। सोनीपत के डीसी ललित सिवाज के नए आदेशों को लेकर विस्तार से जानकारी दी गई है, आइए सुनते हैं। इंस्ट्रक्शन हरियाणा सरकार की तरफ से महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा आई है, जो आज 2 तारीख को सुबह 5 बजे से स्टार्ट हो गई हैं और 12 जनवरी तक सुबह 5 बजे तक लागू रहेंगे। उसके बाद दूसरी इंस्ट्रक्शन कोई आएंगी, उनके बारे में अकॉर्डिंगली हम गाइडलाइन इशू कर देंगे। सर कब क्या क्या गाइडलाइन क्या क्या गाइडलाइन आई है इसमें? हरियाणा सरकार ने जोनिंग बनाई है। जोन ए में 5 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पर कोविड पेशेंट्स की डिटेक्शन सबसे ज़्यादा है, तो सोनीपत उनमें से एक ज़िला है। तो यहाँ पर जो होटल, रेस्टोरेंट्स हैं, पब्लिक प्लेसेज हैं, वहाँ 50% फुटफॉल्स है वो अलाउ किया है ऑक्यूपेंसी का। ऐसा जो होटल्स हैं, ढाबाज हैं या मॉल्स हैं, वो कब तक खुले रहेंगे और वो कैसे उनकी पूरी? वो रात को 11 बजे तक खुले रहेंगे। 50% जो उनका ऑक्यूपेंसी है उससे ज़्यादा अलाउ नहीं करेंगे। और बाकी जो थिएटर्स हैं, मल्टीप्लेक्स हैं, सिनेमा हॉल्स हैं, वो बिल्कुल बंद रहेंगे। सर शॉप्स हैं जो, वो कैसे? बाजार हैं, जो बाजार हैं 5 बजे तक खुलेगा बाजार? हाँ, 5 बजे तक खुले रहेंगी। वो जो मार्केट्स और मॉल्स हैं 5 बजे के बाद बंद हो जाएंगे। तो भीड़ भाड़ का एरिया सर, उसमें किस तरह से? उसमें अभी हमने पुलिस के साथ मीटिंग की है, हेल्थ डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स भी हैं सभी, तो अब स्पेशल टीम कॉन्स्टिट्यूट की गई है और जहाँ फुटफॉल सबसे ज़्यादा है वहाँ पर स्पेशल काउंटर्स चेकिंग के लिए लगाए जाएंगे। अदरवाइज अगर वो काउंटर नहीं लगाते हैं चेकिंग के लिए, बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं उनके लिए डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में 5,000 रुपये जुर्माने का प्रावधान है और उससे ज्यादा भी किया जा सकता है। प्रदेश के 5 जिलों में सोनीपत को ए जोन में शामिल किया गया है, क्योंकि सोनीपत NCR में आता है, तो ऐसे में दिल्ली से सटे होने के चलते सोनीपत में भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। जिला उपायुक्त ललित सिवाच ने बताया कि पिछले 24 घंटों में 31 कोरोना के मरीज सामने आए हैं, लेकिन राहत की बात यह है कि इन मरीजों की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। सोनीपत में 31 केस पिछले 24 घंटे में डिटेक्ट किए गए हैं। हमारे पास टोटल 60 केसेस जिले में आज के दिन हैं और चिंता ये जताई जा रही है, जो डेल्टा वेरिएंट था उससे इसकी स्पीड 4 गुना ज़्यादा है ओमिक्रॉन की, तो उसको ध्यान में रखते हुए सरकार की तरफ से जो गाइडलाइंस हैं और जिले के सारे अधिकारी जो कंसर्न हैं, हेल्थ ऑफिसर्स हैं, फूड डिपार्टमेंट के हैं, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है, अपनी तरफ से पूरी हमारी तैयारियां पूरी हैं। सर फोरेंसिक अभी तक कितने जो ट्रैवल्स हैं, ट्रैवलर हैं, वो यहाँ पर पहुँचे हैं, उनकी कोई डिटेल्स हैं? ये 60 लोगों में से हमारे पास ऐसा कोई डिटेक्ट नहीं हुआ, फॉरन ट्रैवलर कोई भी नहीं है, लेकिन आज की मीटिंग के बाद हमने पुलिस डिपार्टमेंट से मीटिंग की है तो वो भी उनके एंटीसीडेंट्स चेक करेंगे। इन केस कोई फॉरन ट्रैवलर है उस पर स्पेशल फोकस रखा जाएगा, जैसे हमें आदेश हुआ है चंडीगढ़ से, उनको स्पेशल सर्विलेंस में रखा जाएगा, आइसोलेशन में। बता दें कि सरकार के नई गाइडलाइंस के मुताबिक सोनीपत, गुरुग्राम, अम्बाला, पंचकुला और फरीदाबाद में आज से रेस्टोरेंट और होटलों पर भी नए नियम लागू होंगे। आज से रेस्टोरेंट और होटल रात 11 बजे तक सिर्फ 50% क्षमता के साथ खुलेंगे और इस दौरान कोविड नियमों की भी पालना अनिवार्य है। सोनीपत पुलिस प्रशासन की ओर से सख्त चेतावनी जारी हुई है, जिसमें कहा गया है कि सरकार आदेशों और कोविड गाइडलाइंस का उल्लंघन करने वालों पर सख्ती से कार्रवाई करेगी। सोनीपत से पवन राठी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।